हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा दंगल की कलेक्शंस के बारे में, वो भी 56 डेज का। जी हाँ, 56 दिन हो चुके हैं चाइना में दंगल को, अभी भी ये रुकने का नाम ले नहीं रही है। लेकिन कलेक्शंस कम है, इसके टिकट प्राइस भी मैं चेक कर रहा था कि चाइना में वो भी काफी कम है एवरेज टिकट प्राइस बाकी फिल्मों से, और फिलहाल फिल्म 8वें पोजिशन के आसपास पहुंच गई है। लेकिन उसके वो अलग बात है, 56 डेज तक किसी सिल्वर स्क्रीन पर बने रहना वो भी अपने आप में बड़ी बात है। अब कलेक्शंस की बात कर लेते हैं, 56 डेज में किस तरह कलेक्शंस हुआ है। 56 डेज पहले पता कर लेते हैं कितना है, 749, यानी कि 7 हफ्ते खत्म हो गए। अब 8वां हफ्ता खत्म हो गया, यानी कि 8वां थर्सडे का कलेक्शंस मैं आपको बता रहा हूँ, और उसके बाद कल से 9वां हफ्ता फिल्म को चालू हो जाएगा, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। कलेक्शंस की बात कर लेते हैं, 0.22 मिलियन US डॉलर इसने कमाया है, यानी कि 1.42 करोड़। जी हाँ, 1.42 करोड़ इस फिल्म ने कमाया है 1217 करोड़ इसका कलेक्शन था, 1217 करोड़। अब उसमें आप पकड़ लीजिए 1 करोड़ और पकड़ लीजिए, तो 1218 करोड़ का कलेक्शन हो चुका है ग्रॉस कलेक्शन चाइना में, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। तो देखते किस तरह से आने वाले में कलेक्शंस होते हैं और क्या उम्मीदें हैं आपको कलेक्शंस से, आप जरूर बता सकते हैं। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जो बटन दिखे उसे क्लिक कर दीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सके, और मेरी वेबसाइट bollywoodcrazies.com पे भी विजिट करना ना भूले अगर आपको लेटेस्ट अपडेटेड आर्टिकल्स चाहिए तो। चलिए, बाय बाय।